मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान गुरु आयुर्वेद से। आज हम एक ऐसी दवाई का वर्णन करेंगे जिससे अनेक रोग ठीक होते हैं। वैसे ऐसे रोग दवाइयों को रसायन श्रेणी में रखते हैं। रसायन श्रेणी का मतलब है कि रोग को ठीक भी करते हैं और अगर उसको स्वस्थ ले, स्वस्थ व्यक्ति उसको सेवन करे तो उसके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखते हैं और आयु को संभाल करके रखते हैं। आज हम जिक्र करते हैं गिलोय रस का। गिलोय रस, ये गिलोय की जड़ी से का निकला हुआ रस है। यह गुरु फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया हुआ रस है। इसमें अब हम बताते हैं इसका प्रयोग। लोग अधिकतर ये सोचते हैं कि इसको ज्वर में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, ये अनेकों रोगों में काम आता है। जैसे गठिया में ये 3 से 6 चम्मच तक अगर सवेरे शाम कुछ दिन लगातार लिया जाए तो गठिया रोग ठीक हो जाता है। इसके साथ ही साथ मूत्र विकार अगर होंगे तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। ज्वर में आप गिलोय घन बटी के साथ में गिलोय रस और त्रिफला चूर्ण का 1/2 चम्मच अगर आप लें तो किसी भी प्रकार का ज्वर हो सभी प्रकार का ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आपको ज्वर में पित्त ज्वर है, जलन बहुत है और दहा अंदर से जलन है, पसीना बहुत आया है, आप खाने को मन नहीं कर रहा, तो आप गिलोय रस में थोड़ी शक्कर मिला करके उसका प्रयोग करने से आपका दहा ठीक हो जाता है। स्त्रियों के श्वेत पदर में गिलोय रस 3-4 चम्मच लेकर के उसमें 1/2 चम्मच अगर शतावरी का चूर्ण घोल करके आप उसको सेवन करें, कुछ महीनों में स्त्रियों का श्वेत पदर ठीक हो जाता है। अरुचि, यानी कि किसी भी चीज़ में स्वाद ना होना, इसके लिए भी गिलोय रस में आप शहद और पीपल, छोटी पीपल का चूर्ण एक चुटकी भर 5-6 चम्मच में अगर ये ले करके पिया जाए और दिन में 2-3 बार लिया जाए तो अरुचि का रोग ठीक हो जाता है। अगर आपको कब्ज है बहुत ज़्यादा तो गिलोय रस में ही आप छोटा सा 10 ग्राम गुड़ घोल करके अगर उसको पिए तो आपका कब्ज ठीक हो जाता है। तहा में, पित्त के रोग में मिश्री के साथ और शक्कर के साथ। कफ के रोग में गिलोय रस की 2-3 चम्मच के साथ में अगर आप 1 चम्मच शहद मिला करके पिए तो आपके कफ रोग ठीक हो जाते हैं। आमवात, यानी कि कोई भी आमवात के कारण से कोई रोग है, कहीं दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आप 3-4 चम्मच गिलोय रस के लेकर के आप इसमें सौंठ मिला लें और सौंठ मिला करके चुटकी भर सौंठ मिला लें, सौंठ मिला करके इसका सेवन करें तो आपका आमवात ठीक हो जाता है। यह गिलोय रस रसायन भी है, यानी कि आपको रोगों से बचाता है। अकाल में अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं या उड़ते हैं, झड़ते हैं, तो आपको ये सुरक्षा देता है। अगर आपका इसका सेवन लगातार करते हैं तो इसमें वृद्धावस्था में भी युवा की तरह दिखते हैं और अपने काम करते रहते हैं। यह अनेक रोगों से सुरक्षा देता है। अतः मैं तो यही राय दूंगा कि आप बीच बीच में साल में 1-2 महीना इसको ज़रूर प्रयोग करें। आपको तभी विश्वास होगा
जब आप प्रयोग कर लेंगे और इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।